हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी गैलेक्सी। आज हम एडजेक्टिव करेंगे। नाउन प्रोनाउन हो चुके हैं और नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। तो डेफिनेशन क्या है एडजेक्टिव की? एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करे वो होता है एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेड शर्ट, तो शर्ट की विशेषता बताने वाला वर्ड है रेड, तो रेड एडजेक्टिव है। गुड गर्ल, गर्ल की विशेषता गुड ने बताई तो गुड एडजेक्टिव है। वन रुपी, रुपी की विशेषता वन ने, तो वन एडजेक्टिव है। एट काइंड ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर, प्रॉपर, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव और पजेसिव। क्वालिटी जैसे नाम से ही पता है, क्वालिटी बताएगा विशेषता। क्वांटिटी मात्रा बताएगा। नंबर संख्या, जैसे वन वगैरह। प्रॉपर, प्रॉपर नाउन से बनने वाला। डेमोन्स्ट्रेटिव, जो इंडिकेट करे दिस दैट वगैरह से। डिस्ट्रीब्यूटिव, जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए आपस में बंटवारा। इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क होगा इसमें। और पजेसिव, पजेशन शो करेगा, तो पजेशन को शो करने वाला होता है पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई, यूअर, हिज, तो इस तरीके से। अब सबसे पहले करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये जो आठों टाइप हैं इनमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, और इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आए कि ये कौन सा टाइप ऑफ एडजेक्टिव है तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है वो, इसीलिए थोड़ा ध्यान से करना है ताकि वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। जैसे सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी को दिखाए, जो विशेषता बताता हो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। A word which tells about merit, demerit, color and size is called an adjective of quality. जो merit, demerit, color, size वगैरह बताए वो quality को बताने वाला हो गया, तो इसलिए वो adjective of quality है। जैसे the old man died, तो यहाँ पे old विशेषता बताई man की। lazy boy, तो boy की विशेषता बताई lazy ने। white shirt, शर्ट की विशेषता बताई व्हाइट ने। क्लोथ इज न्यू, क्लोथ की विशेषता बताई न्यू ने, तो न्यू, व्हाइट, लेजी, ओल्ड, यहाँ पे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, उसकी विशेषता बताने वाले हैं। इसमें यदि फिर भी इसको समझना हो और भी ध्यान से, तो उस सेंटेंस में जिसमें भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो उसका क्वेश्चन बना के देख लीजिए। यदि क्वेश्चन बनता हो व्हाट काइंड में, तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो व्हाट काइंड में क्वेश्चन बनने पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। तो अब हम करते हैं इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या है, जो मात्रा बताए। द वर्ड विच टेल्स अमाउंट ऑफ ए थिंग इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो अमाउंट बताए, मात्रा बताए, तो वो होता है क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल गिव मी सम सुगर, तो यहाँ सुगर जो सम है, सुगर की जो विशेषता बता रहा है, तो सम कोई क्वालिटी वगैरह नहीं बता रहा उसकी, उसने मात्रा बताई है सम, इस तरीके से सम लिटल मच। इट हैज मच वेट, तो मच भी जो क्वांटिटी है उसको बता रहा है। ए लिटल मिल्क, ए लिटल भी क्वांटिटी को बता रहा है। जो चीज हम नाप तोल के देखे, जिसको गिन ना सके, यदि गिन सकेंगे तो वो तो नंबर में आ जाएगा, जिसको नाप तोल के अंदाजा लगा के देखा जाए वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बताने वाला। और इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन बनेगा हाउ मच, कितना। यदि इसका क्वेश्चन बना के देखना हो कि कैसे पता चले कि कौन से एडजेक्टिव की बात हो रही है, तो उस जो वर्ड है उसकी जगह हाउ मच लगा के देख लो। यदि करेक्ट बहुत ही वो क्वेश्चन बन रहा है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। अब है थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या है, द वर्ड विच टेल्स द नंबर ऑफ ए नाउन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो नंबर बताए, संख्या बताए, वो क्वांटिटी बता रहा था, मात्रा उसको गिन नहीं सकते थे हम, सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, इसको गिनना पड़ता है, तो वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो क्वांटिटी और नंबर में यही डिफरेंस होता है।
और इसका क्वेश्चन जैसे उसका बनता है हाउ मच, कितना, और इसका बनेगा कितने, मतलब जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको काउंट ना कर सके वो मच होता है, जिसको कर सके वो मैनी, जैसे काउंट ना कर सके लिटल होता है, काउंट कर सके फ्यू हो गया। तो यही इसमें क्वालिटी और जो नंबर है इसमें, क्वांटिटी और नंबर में सिर्फ यही डिफरेंस है। इसका क्वेश्चन क्या बनता है हाउ मैनी, और इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे टेन है, फ्यू है, सेवरल है, फोर्थ है, तो ये सब नंबर से बनने वाले वर्ड हैं, तो ये सब के सब नंबर हो गए, तो क्वांटिटीज में नंबर में आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और दो टाइप का होता है जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट में क्या आएगा, डेफिनेट जिसमें निश्चित हो कि इसी की बात हो रही है, व्हेन एग्जैक्ट नंबर गिवन हो तो वो डेफिनेट नंबर हो गया, जैसे टू गर्ल है, सिंगल डेस्क है, सेकंड रो है, यहाँ पे डेफिनेट की दो लड़कियों की ही बात हो रही है, एक डेस्क की ही बात हो रही है, दूसरी लाइन की ही बात हो रही है, तो वो एग्जैक्ट नंबर को शो करेगा, वो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और इनडेफिनेट में क्या होगा, इनडेफिनेट में व्हेन एग्जैक्ट नंबर इज नॉट गिवन, जब एग्जैक्ट नंबर ना दिया गया हो तो वो इनडेफिनेट होगा। एग्जैक्ट कैसे, जैसे फ्यू गर्ल, फ्यू में एग्जैक्ट थोड़े ही ना है कि 5 है, 10 है, 15 है, कितनी है, फ्यू दिया हुआ है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है तो इनडेफिनेट हो गया। ऑल डेस्क, सभी डेस्क, ये भी इनडेफिनेट है, सभी डेस्क, तो यहाँ भी सभी का उसकी जो नंबर है वो नहीं दिया हुआ, सिर्फ जो इनडेफिनेट एक अनिश्चित नंबर है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो इसलिए इसको इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम बोलेंगे। सेवरल रोज, कई सारी पंक्तियां, तो यहाँ भी एग्जैक्ट जब दे रखा हो, 1 है, 2 है, सेकंड है, 5 है, इस तरीके से, तो वो एग्जैक्ट में आएगा। कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर में दे रखा हो तो डेफिनेट होगा, और जब कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर में ना दे के इस तरीके से दे रखा हो तो वो इनडेफिनेट होगा। अब है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे इसके नाम से ही पता है कि ये प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव है। द एडजेक्टिव विच इज मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है, एग्जैक्ट जब नाम दे रखा हो, ये नाउन में हम कर चुके हैं, तो उसी से बना, ये इंडियन, इंडियन सोल्जर, तो इंडियन है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। मौर्यन एम्पायर, मौर्य, मौर्य वंश, उस नाम से ही बना, मौर्य से, तो मौर्यन। बुद्धिस्ट मॉन्क, बौद्ध से बना है, तो एक नाउन से बनने वाला जो एडजेक्टिव है वो होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटेन से बना है ब्रिटिश, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। और दिस इज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही पार्ट होता है, विशेषता ही तो होती है इसमें, लेकिन ये प्रॉपर नाउन से जुड़ी हुई होती है विशेषता, कोई कलर वगैरह या उसके मेरिट डीमेरिट की नहीं होती, ये एक नाउन से जुड़ी हुई, इसीलिए इसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव करते हैं हम। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स टुवर्ड्स द नाउन विच इज यूज्ड आफ्टर इट। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इंडिकेट करता है उस नाउन की तरफ जो एग्जैक्ट उसके बाद दे रखी हो, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इसके एग्जैक्ट इसके बाद में नाउन होगी तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि जो डेमोन्स्ट्रेटिव है ये प्रनाउन में भी आया था, लेकिन प्रनाउन में और इसमें डिफरेंस भी शो कर रखा है। एग्जाम्पल से डिफरेंस देखते हैं हम कि प्रनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। जैसे दैट गर्ल इज प्रिटी, तो यहाँ पे दैट के एग्जैक्ट बाद में नाउन आई है, तो दैट गर्ल, और इसमें दिस इज माई पर्स या दैट इज प्रिटी गर्ल, तो इसमें एग्जैक्ट उसके बाद नहीं आई है, उससे थोड़ा दूर है, गर्ल तो यहाँ जाके आया, तो दैट, तो इसलिए ये प्रनाउन है, और इसके एग्जैक्ट बाद में दे रखा हो तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। उसकी विशेषता बताई है उसने, इसमें विशेषता नहीं बता रहा, इसमें प्रनाउन की जगह का काम कर रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन का। दिस हाउस इज माइन, तो दिस हाउस, हाउस की विशेषता बता रहा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दिस इज माई हाउस, दीज मैंगोज, दीज आर रोटर मैंगोज, दोज फैंस आर मूविंग, तो इस तरीके से, तो दोज आर
मूविंग फैंस, तो वहां विशेषता बताने वाला मूविंग बन जाता है। तो यहाँ दोज फैंस, फैंस की विशेषता इसने दोज ने बताई है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इसका सिक्स्थ पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूशन शो करता हो, बंटवारा दिखाता हो, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एडजेक्टिव एक्सप्रेस एवरी पर्सन और थिंग इन द ग्रुप, जिस ग्रुप की बात हो रही है उसके हर पर्सन और हर थिंग को एक्सप्रेस करता हो। जैसे इट आंसर द क्वेश्चन विच वन ऑफ द नंबर, इसमें हर जो भी हर एक पार्ट है अपने एडजेक्टिव का, उसमें हर एक का क्वेश्चन बना के देखने से जो कन्फ्यूजन है वो एग्जैक्ट क्लियर हो जाता है। तो विच वन ऑफ नंबर, नंबर का कौन सा हिस्सा, तो किसकी बात हो रही है, तो इसीलिए उसका आंसर बनेगा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये प्रनाउन के भी पार्ट थे, तो प्रनाउन में और एडजेक्टिव में जब ये यूज होते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। एडजेक्टिव में इसके एग्जैक्ट बाद, एडजेक्टिव होते ही वो है जब उसके बाद तुरंत बाद नाउन प्रनाउन आ रही हो, तो उसकी विशेषता बता रहा हो, तो ईच गर्ल, इसमें ईच ऑफ द गर्ल, इसमें ऑफ बीच में आया, ईच ऑफ द गर्ल तो प्रनाउन बन गया, और यदि एग्जैक्ट उसके बाद नाउन या प्रनाउन आ गया तो वो एडजेक्टिव बन गया। आइदर बॉय, आइदर ऑफ द बॉय, एवरी स्टूडेंट, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट, तो इस तरीके से इसमें एडजेक्टिव में और प्रनाउन में यही डिफरेंस है। उसके एग्जैक्ट आफ्टर यदि नाउन या प्रनाउन है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, और ऑफ के बाद यदि है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन हो गया। अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव करते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। द वर्ड विच वर्क्स एज एन इंटरोगेटिव वर्ड इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटरोगेटिव वर्ड का काम करेगा ये, जैसे हु एंड हुम वर्क्स ओनली एज इंटरोगेटिव प्रनाउन। जैसे हु और हुम प्रनाउन में आते हैं तो हु और हुम इसमें नहीं आएगा एडजेक्टिव में। हु और हुम जो क्वेश्चन वर्ड है ये प्रनाउन में यूज होंगे, तो एडजेक्टिव और प्रनाउन में डिफरेंस क्या है? विच स्कूल इज योर्स, यदि वही एग्जैक्ट वही वर्ड एडजेक्टिव और प्रनाउन दोनों में वही आ रहा है, हु और हुम तो आएगा ही नहीं एडजेक्टिव में, लेकिन विच, हुज और वट आता है एडजेक्टिव में भी आएगा प्रनाउन में भी आएगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? एडजेक्टिव एज यूजुअल उसके एग्जैक्ट आफ्टर होगा, विच स्कूल कौन सा स्कूल, विच पर्स, वट सेंटेंस, तो ये एडजेक्टिव है, इसके एग्जैक्ट बाद में नाउन दे रखी हो, और इसमें विच इज उसके बाद वर्ब आएगी, फिर वो नाउन और प्रनाउन जिसके बारे में बताया गया है, नाउन वो बाद में आएगा, पहले वर्ब आएगी, इसमें वर्ब उसके बाद पहले नाउन आएगा फिर आती है वर्ब, और इसमें इंटरोगेटिव वर्ड के एग्जैक्ट बाद में वर्ब आई, तो ये एडजेक्टिव और प्रनाउन में ये डिफरेंस होता है। और हु और हुम कभी भी जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में नहीं आएगा, वो सिर्फ इंटरोगेटिव प्रनाउन का ही पार्ट होता है। अब करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में क्या है? जैसे पजेशन को शो करेगा। द वर्ड विच टेल्स द पजेशन एंड रिलेशन ऑफ अ पर्सन और थिंग, जो किसी पर्सन या थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ रिलेशन या उसका पजेशन बताता हो, वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे माई, माई बैग, आवर स्कूल, योर फ्रेंड, हिज मदर, हर पेरेंट्स, तो देयर कंट्री, तो इस तरीके से ये पजेशन को शो करेगा। तो ये पजेशन को शो करने वाला, हम प्रनाउन में भी ये एकदम क्लियर कर चुके हैं कि देखने में हमें लगता है कि प्रनाउन है, लेकिन इसके एग्जैक्ट बाद जब नाउन दे रखी हो तो ये प्रनाउन नहीं होगा। तो नाउन की विशेषता बताने वाला प्रनाउन नहीं होता, वो एडजेक्टिव होता है, तो वो एडजेक्टिव होगा। जैसे आई लव माई कंट्री, तो कंट्री की विशेषता या माई बता रहा है, तो ये पजेशन को शो कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव पजेशन को शो करने वाला पजेसिव एडजेक्टिव हुआ, नहीं कि पजेसिव प्रनाउन। तो प्रनाउन कैसे बनेगा? आई लव द कंट्री ऑफ माइन, ये प्रनाउन है। माई बैग एडजेक्टिव है, माइन ये प्रनाउन है। इसके पीछे किसी को आने की जरूरत नहीं, यदि कुछ इसके साथ लग के आ गया तो ये उसी की तो विशेषता, उसी का पजेशन बताने वाला बन जाएगा, और ये एडजेक्टिव का काम करेगा। दैट इज देयर ड्यूटी,
दैट ड्यूटी इज देयर्स, तो ये प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन का जो डिफरेंस है, ये तो बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि एडजेक्टिव की बात हो रही है या प्रोनाउन की। तो ये था अपना एडजेक्टिव 8वां पार्ट, और बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। हर एक क्वेश्चन वर्ड इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन इसको शो करने के लिए आता है कि कोई ऐसा वर्ड ऐड करो जिससे उस वो सेंटेंस जो दिया हुआ उसके लिए क्वेश्चन बने, तो सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। इसको ध्यान से करना है। ओके,